तो वहीं बहरोड में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बालिकाओं ने इंडिया न्यूज पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या कहना है बालिकाओं का, सुनिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस के ऊपर हमें ये देखना है, सरकार अनेक महिलाओं के लिए कानून बना रही है। आज हम उस कानून के लिए इन बच्चियों से जानना चाहते हैं, जो सरकार ने कानून बनाए हैं इन बच्चियों के लिए कितने कारगर साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये हमारे सर बच्चे। क्या सरकार ने महिला दिवस मना रही है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि उसमें लोकतंत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है, परंतु और कई स्कीम भी निकाले जा रहे हैं, परंतु जो महिलाएं हैं उनको इन स्कीमों का कोई फ़ायदा नहीं आया हो रहा है। वो आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस पर मैं अपनी दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़ग उठा लो, स्वयं ही अपना चीर बचाओ। इसमें कहा गया है कि महाभारत के समय द्रौपदी ने अपनी उनको कहा गया था कि वो अपनी स्वयं रक्षा करें और महिलाओं को किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए और उन्हें हर क्षेत्र में बढ़कर भाग लेना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ रही हैं, वो बाहर जाकर कार्य करती हैं और वो पुरुषों के समान समाज में, मतलब कि उनकी पुरुषों की समान स्थिति है और वो महिलाएं हैं, वो बाहर भी कार्य करती है। पहले महिलाओं को चार दीवारों के अंदर रखा जाता था, परंतु आजकल महिलाएं स्वतंत्र हैं, वो अपनी मर्जी से अपने जीवन को जी सकती हैं और वह समाज के प्रति जागरूक हो रही हैं। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ दूसरी गुड़ी है, हम इनसे भी जानते हैं। बेटा, महिला दिवस आज, महिला दिवस के ऊपर आपका क्या राय है? जैसा कि आज हम जानते हैं कि महिला दिवस है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन समाज में बहुत सारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा देते हैं बेटी को पढ़ाई में आगे करने के लिए। बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, स्कूटी योजनाएं, स्कॉलरशिप, लेकिन उनसे कुछ भी पूरा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और कुछ लोगों की धारणाएँ होती हैं कि महिलाएँ तो केवल खाना बनाने के लिए होती हैं, घर का काम करने के लिए होती हैं, लेकिन लोगों को ये अपनी सोच परिवर्तित करनी होगी। आज हम देखें हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, IAS, IPS, हर क्षेत्र में महिलाओं का अंकुश है। कहीं पर भी देख लो, पुरुषों से एक कदम आगे चलती है महिलाएं, तो लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, महिलाओं के प्रति जागरूक, और महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए खुद सशक्त बनना होगा और दूसरों के ऊपर निर्भरता छोड़नी होगी। और महिला समाज में बहुत सी धारणाएँ हैं कि महिला तो आगे नहीं बढ़ सकती, घर में रहती है, चार दीवारी के अंदर रखना चाहिए, बाहर जाएगी तो ये हो जाएगा। और लोगों की सोच होती है कि बेटियों को पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा, वो तो उनकी शादी होने के बाद ससुराल नहीं जाना है। लेकिन लोगों को अपनी सोच परिवर्तित करनी होगी कि वो अब पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़े होकर अपने ऊपर डिपेंड होती हैं, खुद अपना सुरक्षा अपनी खुद कर सकती हैं। तो हमें महिला दिवस का मुख्य कारण यही है कि इसको मनाने का, कि लोगों को अपनी सोच चेंज करें और महिलाओं के प्रति सम्मान की धारणा लाएं, उनके बारे में अच्छा सोचें और महिलाओं भी अपनी सुरक्षा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। इसी साथ में एक गुड़िया और है हमारे साथ, इससे पूछते हैं, बेटा आज महिला दिवस है, महिला दिवस पर आपकी क्या राय है? हम जानते हैं कि आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जाता है, इसलिए इस दिवस का मुख्य कारण यह है कि महिलाओं को अधिक महत्व देना। आज वर्तमान युग में हम देखना चाहते हैं कि नारी शिक्षा, नारी हर कार्य में आगे हो रही है, नारी डॉक्टर, टीचर एंड अन्य उद्यमी कार्यों में और भाग ले रही है, नारी राजनीतिक सेवा में भी पूरा बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही है, नारी किसी से भी कम नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि तत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों के सम्मान होता है, नारियों की पूजा की जाती है, वहाँ पर ही देवता निवास करते हैं। और नारी लक्ष्मी का रूप होता है, हमें नारी को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। और नारी अपनी स्वयं की रक्षा खुद कर सकती है और हमें हमारे पुराने ज़माने में घूंघट प्रथा आदि प्रचलित थी, हालांकि अब भी प्रचलित है परंतु यह कम प्रचलित है। इसलिए जितनी पुरुष वर्ग की संख्या है उतनी ही नारियों की भी इतनी ही संख्या है, इसलिए पुरुष वर्ग को कभी भी नारियों पर वो असम्मान की दृष्टि से नहीं वो करना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि करो प्रतिज्ञा जीवन पथ में नारी का सम्मान करो, करो प्रतिज्ञा जीवन पथ में नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। ये थी गुड़िया हमारे साथ, नारी का सम्मान करो। सरकार घोषणाएं बहुत करती है, लेकिन जो इनको हक मिलना चाहिए वो पूरा हक नहीं मिलता, और
सिर्फ और सिर्फ एक बाल महिला दिवस के ऊपर सरकार एक झूठी और एक स्वेच्छापूर्ण अपनी शुभकामनाएं देकर महिला दिवस मना के पूर्ण कर देती है। मैं राकेश शर्मा, इंडिया न्यूज़, बहरोड़ तालुका।